कैसे लिखते हैं। मैंने आपको थ्री नंबर बताया था, ये हमारा थ्री होता है। इसे आज हम अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं। यहाँ हमारे पास देखो ये थ्री ट्रीज बने हुए हैं। इसे कैसे पता चला कि ये थ्री ट्रीज है, तो उसे हम काउंट करके देखेंगे। काउंटिंग हम वन से करते हैं, वन और टू आपको लिखना आ गया है, या आज हम थ्री लिखेंगे। तो इसे हम कैसे काउंट करेंगे, वन टू थ्री। तो ये कितने ट्रीज हो गए, थ्री। हाउ मेनी ट्रीज देयर आर, थ्री। तो ये हमारे पास थ्री है, तो आज हम इसी तरीके से थ्री कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। ओके, आपके पास मैथ्स में बेटा नोटबुक में आपके पास ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, ऐसे बॉक्सेस वाली नोटबुक होती है ना, इस बॉक्सेस वाले नोटबुक में आपको थ्री लिखना है। यहाँ पे हम एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, ये आपकी डॉट है, इस डॉट से आपको थ्री लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, देखो इसके अंदर साफ आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से कर्व दिया हुआ है। कल हमने सी बनाना सीखा था इंग्लिश की क्लास में, तो सी में हमने ये कर्व दिया था, ये हमारा क्या हुआ, लेफ्ट कर्व हुआ। थ्री बनाने के लिए हमें टू राइट सी कर्व्स बनाने हैं, यानी कि टू राइट कर्व्स को अगर हम ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा थ्री बन जाएगा। किस तरीके से करना है, यहाँ हम डॉट से शुरू कर रहे हैं, डॉट से शुरू करके ऊपर की तरफ से हम इसे ले जाके, ये हमने एक, ये इसे पूरा ऊपर नहीं लेके जाना, यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमें इसे यहाँ पर छोड़ना है, ये हमने आधा बनाया है, ये एक ऊपर का कर्व आपका बन चुका। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाया है इसी के साथ इस पॉइंट से ही ज्वाइंट करते हुए नीचे की तरफ में एक वैसे ही कर्व और बनाएंगे, यानी कि एक राइट कर्व और ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा थ्री बन जाता है। ये हमारा थ्री नंबर होता है, मैथ्स का नंबर थ्री, यानी कि डिजिट थ्री। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको क्लियर है कि थ्री नंबर का कौन सा होता है और इसे किस तरीके से लिखा जाना है। मैं आपको फिर से एक बार एक साथ लिख के दिखाती हूँ। ये डॉट से हमने पेंसिल रखनी है, यहाँ से हमने कर्व बनाना है एक, यहाँ से कर्व इसी के साथ हमने इसी को ज्वाइन करते हुए नीचे एक और ऐसा ही एक राइट कर्व बनाना है, और डॉट हमारा ये एंडिंग पॉइंट है, यहाँ तक लेकर जाना है, तो ये हमारा बन जाता है थ्री। थ्री बनाने के लिए हमें दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप, डॉट से एक राइट कर्व देना है, उसी राइट को ज्वाइन करते हुए सेकेंड राइट कर्व देना है, तो ये हमारा थ्री बन जाता है। मैं आपको वन टाइम और बताती हूँ, ये हमारा डॉट है, मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से डॉट से हमें शुरू करना है, ये हमारा हाफ राइट कर्व हुआ, इसी के साथ इसी को ज्वाइंट करते हुए हमारा सेकेंड हाफ कर्व हुआ, और हमें इस डॉट तक लेकर जाना है कर्व बनाते हुए, तो ये हमारा बन जाता है नंबर थ्री। इसी तरीके से बेटा आप डॉट्स की हेल्प से डॉट के ऊपर पॉइंट अपनी रख के, अपनी पेंसिल को रख के डॉट से आप बनाएंगे और डॉट तक लेकर जाएंगे बनाते हुए, ये आपका थ्री बन जाएगा। होप आपको क्लियर है कि टू स्टेप्स में थ्री बन जाएगा, और बहुत ही इजी स्टेप्स है, सिर्फ आपको कर्व देना है। जैसे हमने सी के लिए लेफ्ट कर्व दिया था, हमें थ्री बनाने के लिए राइट कर्व देना है। इट्स सो सिंपल। ओके, आपको क्या करना है बेटा, आज आप मैथ्स में हाउ टू राइट थ्री, आप थ्री लिखने की प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक में, और आपको पेंसिल से इसी तरीके से डॉट के ऊपर पेंसिल रख के डॉट से मैच करना है, और आपको सुंदर सुंदर ये दो कर्व बनाते हुए इनको ज्वाइंट करना है, और ये आपका थ्री बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको क्लियर है आपको थ्री कैसे लिखना है, आपको थ्री लिखने के स्टेप्स क्लियर है। तो आज का बेटा आपका मैथ्स का होमवर्क यही है कि आप अपनी मैथ्स की फेयर नोटबुक में थ्री लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और साथ ही बेटा मैंने आपको ए, आपको ए लिखना आ गया है, बी लिखना आ गया है, और सी लिखना आ गया है, तो आप ए बी और सी इन तीनों लेटर्स को अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में एक साथ राइट करेंगे, यानी कि वन रो आप ए की, वन रो बी की, और वन रो सी की आप अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में इसे अच्छे से राइट डाउन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको क्लियर है मैथ्स में थ्री लिखना है और इंग्लिश में ए बी और सी एक एक रो वाइज लिखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज बेटा हम इंग्लिश में सी लिखना सीखेंगे कि सी को कैसे लिखा जाता है, हाउ वी कैन राइट सी, हम सी किस तरह से लिख सकते हैं। अभी तक बेटा आप ए और बी लिखना सीख गए हैं कि ए को कैसे राइट करना है, बी को कैसे राइट करना है। आज की क्लास में हम सी कैसे राइट करेंगे ये सीखेंगे। मैंने आपको सी का साउंड
क्यों बताया था बेटा, जब सी की पिक्चर समझाई थी कि ये हमारा सी होता है और सी का साउंड होता है क, इसे हम क का साउंड से कनेक्ट करते हैं, सी क। यहाँ हमारे पास कुछ पिक्चर्स बनी हुई है बेटा, इसे हम सी क के साउंड से ही रीड करेंगे, सी क कैन। ये हमारा क्या है, कैन, इसे हम क्या बोलेंगे, सी क कैन। ये हमारा है क्लॉक, इसे हम कैसे रीड करेंगे, सी क क्लॉक, इसे हम ऐसे रीड करेंगे बेटा, सी क क्लॉक। ये हमारे पास केक बना हुआ है, इसे सी से बनने वाला लेटर का वर्ड है ये, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, सी क केक। ओके सर, तो आज हम ये सीखेंगे कि हमें ये सी लिखना कैसे है। आपके पास बेटा ये फोर लाइन्स की नोटबुक होती है, कैपिटल सी है, इसे हम कैपिटल लेटर का सी कहते हैं, और कैपिटल लेटर जो है वो फर्स्ट लाइन से रेड स्टार्ट होता है लिखा जाना। यहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच में आपके पास एक डॉट है, इस डॉट से आपको स्टार्ट करना है सी लिखना। तो हम कैसे लिखेंगे, इस डॉट पे पेंसिल को रखते हुए हम फर्स्ट लाइन से इसे राउंड कर्व देते हुए सी बनाएंगे, जो कि सेकेंड और थर्ड लाइन के ऊपर यहाँ तक आए। ये कर्व की शेप बेटा आपने की है, ये कर्व की शेप में ही बनेगा, इसे हम सी कर्व शेप बोलते हैं, जिससे हमारा सी बनेगा। ये बहुत ही सिंपल है बेटा, सिर्फ आपको राउंड करना है और सी का कर्व का शेप देना है और ये आपका सी कर्व बन जाता है। इस तरीके से हम सी कर्व लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे हमारा डॉट है, इस डॉट से हमें अपनी पेंसिल से लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम पेंसिल रखेंगे, यहाँ से मूव करते हुए फर्स्ट लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक हम इसे सी का कर्व देंगे, तो ये हमारा सी बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे हम इसे एंड करेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में हमारे पास डॉट है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में हमारा जो डॉट है वो हमारा एंडिंग पॉइंट है। ओके सर, तो यहाँ से हम इसे पेंसिल से लिखते हुए सी कर्व देते हुए और इस पॉइंट पे एंड कर देंगे, ये हमारा बन जाता है सी क के, सी क कैप, सी क कैन। जो भी वर्ड आपके सी लेटर से शुरू होते हैं उसे आप क का साउंड देते हुए उसे इस तरीके से रीड कर सकते हैं। मैं आपको वन टाइम और रीड के दिखा देते हैं। तो ये हमारा डॉट है और यहाँ हमारा डॉट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से पेंसिल को ड्रॉ करते हुए और आपको ये यहाँ से नीचे से एंडिंग पॉइंट पे लेकर जाना है और ये हमारा बन जाता है सी। ओके स्टूडेंट, होप आपको ये सी लिखने का कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि हमें सी किस तरीके से लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे कहाँ पे जाके एंड करना है और किस तरीके से हमें उसको सर्कल यानी कि राउंड शेप में बनाते हुए जाना है, इसे हम कर्व शेप बोलते हैं। जैसे आपने लाइन्स ड्रॉ करनी सीखी है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व शेप्स, तो ये हमारी कर्व शेप में आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपका होमवर्क इंग्लिश में यही है बेटा, आपको सी लेटर जो है वो आपके पेज पर आपकी जो आपके पास नोटबुक है इंग्लिश की, उसमें आपको एक बार पेज राइट करना है सी का। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको एक और करना है बेटा, ड्राइंग में ये हमारी ट्रायंगल शेप होती है जो इस तरीके से हमारी थ्री लाइन्स, वन टू थ्री, यानी कि टू स्लेंडरिंग लाइन और वन स्लीपिंग लाइन को जो ज्वाइंट करती है, ये हमारी ट्रायंगल शेप कहलाती है। ये हमारी शेप है। लास्ट हमने एक सर्कल शेप की थी जो कि हमारा इस तरीके से बनी हुई थी, ये हमारी सर्कल शेप थी, इसमें हमने ब्लू कलर फिल किया था, ये हमारी सर्कल है। और आज हम कर रहे हैं ट्रायंगल शेप, इसे हम ट्रायंगल शेप बोलते हैं। आप ऐसे ट्रायंगल शेप में और कलर इसमें फिल करेंगे आप ऑरेंज। ओके, आपकी शेप टू शेप्स हो गई है, सर्कल एंड ट्रायंगल, और कलर्स हो गए हैं आपके तीन, रेड जो हमने एप्पल बना के एप्पल में फिल किया था, ब्लू जो हमने सर्कल शेप में फिल किया था, और ये हमारा ऑरेंज जो आज हम ट्रायंगल शेप में फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको शेप्स क्लियर है, कलर्स के नेम्स क्लियर है, और साथ ही आज आपको सी जो लिखना है वो भी क्लियर है। तो आज का बेटा आपका होमवर्क यही